देखिए बेवा से निकाह करने का मखसूस अजर हदीस में तो नहीं है, लेकिन ये तो मैं कह सकता हूँ कॉमन चीज है कि किसी एक कमजोर फर्द की आप मदद कर रहे हैं उसका अजर मिलेंगे, कमजोर फर्द की आप मदद कर रहे हैं, लेकिन आप मदद करने वाला भी उस हालत में होने, तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि हाथ पीले करने के चक्कर में मर्दों की पीठ लाल हो जाती है, समझ ना। बहरहाल मदद करने वाला भी उस कंडीशन में हो कि वाकई में मदद कर सकता हो, ठीक है, तो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस इंसान को एक समाज के कमजोर फर्द की मदद का अजर मिलेगा। अगर उसके ससुराली लोग बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं और दे दिया बेचारी को, तो उस बच्चों की किफालत अगर ये करता है तो जाहिर सी बात है एक बच्चा उसकी परवरिश में आएगा, जिसको अगर वो परवरिश करता है और ये बच्चा आगे चल के तौहीद पर चलता है, पुराना सुन्नत पे चलता है, तो इस बाप को, बाप नहीं माँ के शौहर को, जो कि एक तरह से बाप ही होगा उसका, उसको उसका अजर मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो उस बच्चों की किफालत का अजर इस एतबार से भी ज्यादा है कि वो यतीम है, यतीम, अगर वो गैर बालिग बच्चे तो यतीम है, तो यतीम की किफालत आप ले ले रहे हैं बेवा की मदद के जरिए, और जो आपके बच्चों जैसे बन जाएंगे इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, वो बच्चियां आपके पास रहेंगी आपकी बच्चियों जैसी है, तो बहरहाल उसको आप रखें, उसकी किफालत करें, यतीम की किफालत का अजर मिलेगा, एक कमजोर फर्द की मदद का अजर मिलेगा किसी को, जाहिर सी बात है बहुत सारे इसके और हदीस मैंने आपके सामने जो रखी बुखारी में। अस्सलामु अलैकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदकात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।